हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की एक मजेदार कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था जहां वो दिन भर मेहनत किया करते थे, किंतु मेहनत के बाद भी खेती से मिले पैसे उनके जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं थे और वह गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर थे। एक दिन किसान ने सोचा, क्यों ना मैं बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लूं और उन मुर्गियों के अंडों को बेचकर ज्यादा पैसे कमा लूंगा। और एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर के आंगन में एक छोटा सा पिंजरा बनाया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। सुबह होने पर जब उन्होंने पिंजरे में झांक कर देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। वहां अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर सुनारा के पास बेचा। अगले ही दिन फिर उन्होंने पिंजरे में सोने का अंडा पाया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है और वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी करने के दौरान उन्होंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान लिया। उसके बाद से वो उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज एक सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही दिनों में पैसे वाला बन गया। किसान अपने जीवन से खुश था, किंतु उसकी पत्नी लालची थी। एक दिन वो किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों ना हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें? इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी सात पुश्ते आराम से जीवन बिता सकेंगे। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा, मैं मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लूंगा। अगले ही दिन वो बाजार गया और वहां से एक बड़ा सा चाकू खरीद लाया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ मिलकर वो मुर्गियों के पिंजरे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट काट दिया। और काटने के बाद और वो चौंक गया। देखा, मुर्गी तो भीतर से सामान्य मुर्गी की तरह ही है, उसके पेट में सोने का अंडा नहीं है। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। हे राम, हमने क्या कर दिया? अधिक सोने की अंडों की लालच में पड़कर वो रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। कहानी अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आगे मोटिवेशनल वीडियोस और मोरल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।